अस्सलामुअलैकुम मोजेस नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान बाबर आजम ने इंडिया से मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम में दो बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी। हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तानी टीम में दो बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी। कौन सी तब्दीलियां बाबर आजम ने कर दी, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पाकिस्तान का प्लेइंग 11 बता दूँ कि हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तानी टीम का क्या प्लेइंग 11 होगा। अगर नंबर वन की बात करें बाबर आजम होंगे, दूसरे नंबर की बात करें मोहम्मद रिजवान होंगे, अगर तीसरे नंबर की बात करें फखर जमान होंगे, अगर चौथे नंबर की बात करें हैदर आली होंगे, पाँचवें नंबर की बात करें आसिफ आली होंगे, छठे नंबर की बात करें फजल शाह होंगे, सातवें नंबर की बात करें शादाब खान होंगे, आठवें नंबर की बात करें मोहम्मद नवाज़ होंगे, नौवें नंबर की बात करें नसीम शाह होंगे, दसवें नंबर की बात करें हरीश रऊफ होंगे और ग्यारहवें नंबर की बात करें मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे। ये होगा पाकिस्तान का कन्फर्म प्लेइंग 11 हांगकांग के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान एशिया का दूसरा कप मैच खेला जाएगा। ये होगा पाकिस्तान का कन्फर्म, बाबर आजम ने बता दिया।